नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कभी सिलेंडर तो कभी एम्बुलेंस में बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है, लेकिन अब तो शराब माफियाओं ने हद ही कर दी। आपको बताएं कि इस वक्त एक वीडियो सामने आया है जिसमें टीवी के अंदर शराब की बोतलों को छुपाकर रखा गया है और इसी टीवी के माध्यम से शराब की तस्करी बिहार के अलग अलग जिलों में की जा रही है। अब ये बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज जिले से देखने को मिली है, जहां पे मद्य निषेध विभाग की तरफ से गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। और जब तलाशी करने के लिए टीम वहां पर पहुंची तो वहां जो टीम है, जो पुलिस विभाग के लोग हैं, वे भी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि टीवी को जैसे ही खोला गया उस टीवी के अंदर से शराब की कई सारी बोतलें बरामद की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार्रवाई बिहार के गोपालगंज जिले में की गई है। ऐसे में बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब पीना, पिलाना और शराब बेचना गैर कानूनी है, लेकिन तस्करी रोकने के लिए हर दिन कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद धंधेबाज तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज जिले का है, जहां गुरुवार को हरियाणा से बिहार के सुपौली भेजी जा रही शराब उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद की है। खास बात यह है कि शराब भेजने के तरीके को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर के 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। दरअसल शराब के तस्करों ने टीवी के अंदर शराब की बोतल रखी और निकाले गए उसका जो है वो उनकी तरफ से किया जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने टीवी का कैबिनेट खोला तो चौंक गए। कैबिनेट के अंदर से अंग्रेजी शराब की बोतलें मिले। उत्पाद विभाग की टीम ने यूपी सीमा के पास बलथरी चेक पोस्ट पर रोककर तलाशी ली है। इस दौरान पुलिस की नजर टीवी पर पड़ी। शक होने के बाद उसे खोला गया, जिसके बाद खुलासा हुआ शराब को सुपौल में सप्लाई करना था। आपको बताएं कि इस मामले में उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया है कि इस मामले में 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और बस भी जब्त कर ली गई है। ऐसे में गिरफ्तार तस्करों में पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर थाना क्षेत्र के हरिजन कॉलोनी निवासी सुरजीत सिंह, दिल्ली के उत्तर पश्चिमी के विजेंद्र सिंह और साथ ही जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के अरनास थाना क्षेत्र के अरनास निवासी मोहम्मद अशरफ शामिल है। बता दें कि गोपालगंज में इससे पहले एम्बुलेंस और साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर, आलू, प्याज, दूध और पेट्रोल टैंक में शराब तस्करी का खुलासा हो चुका है और अब टीवी के अंदर से सप्लाई करने का जो मामला है वो देखकर उत्पाद विभाग की टीम भी चौंक गई। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद ये खुलासा हुआ है कि टीवी में शराब की बोतलों को छिपाकर इसका अलग अलग जगहों पर जो है इसकी तस्करी की जा रही थी, जिसको लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इन 3 से पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो लोग शराब के अवैध धंधे करते हैं, उनकी तरफ से नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, नए नए तरीकों का इजाद किया जा रहा है और बिहार में अलग अलग चीजों में छुपाकर, इससे पहले सिलेंडर में, तो एम्बुलेंस में आलू प्याज दूध और अब टीवी के अंदर शराब की बोतलें छुपाकर इसकी तस्करी करने का मामला बिहार से सामने आया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।